जम्मू कश्मीर में हाल ही में DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव संपन्न हुए हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इन चुनावों में चुने गए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स की आज ओथ सेरेमनी है और ये ओथ सेरेमनी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आज हो रही है। आइए हम आपको मिलाते हैं उन काउंसलर्स से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चुने गए हैं, जो आज यहाँ ओथ लेने आए हैं। कि जिस सतह पे इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने भी इनका जिक्र किया, गवर्नर साहब ने भी और होम मिनिस्टर साहब जो हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, तो लगता है कि इसमें जो है एक डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ है। तो और वो चाहिए भी सही, क्योंकि ग्रामीण सतह के ऊपर के इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा सारा एरिया बॉर्डर के साथ सिमटा हुआ है। कभी गोलाबारी से हमारी वो नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं होती, कभी माइनिंग की वजह से लोग मर रहे हैं, कभी गोलाबारी से मर रहे हैं, कभी जो एरिया हमारा तारबंदी से आ गया है वहाँ पे वाइल्ड वॉर, जिस जंगली सुअर इतना आ चुका है कि उससे लोग मारे जाते हैं किसान भाई। तो हमारे लोग तो हमेशा दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं। तो मेरा 7 पंचायतों का एक ब्लॉक बनाया जाए, ताकि आगे जो डेवलपमेंट है और नौकरियां हैं वो ब्लॉक की सतह पे मिलेंगी, तो मेरे इलाके को उसमें ज़्यादा फायदा हो। अनएम्प्लॉयमेंट को देखें जनाब, मैं नहीं मिटा सकता, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बड़े फेलियर साबित हुए हैं। BJP जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का कहा था, वो फेलियर साबित हो रहे हैं। यूथ के लिए केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर जो केंद्र प्रशासित हमारा प्रदेश है, बहुत सारी LG ने भी घोषणा की है और केंद्र से भी घोषणा हुई है। जिस तरह से यूथ के लिए एक तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने जा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट होगी, बहुत इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बहुत सारे जॉब नए क्रिएट होंगे, तो जैसे जैसे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती जाएगी तो यूथ को काम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। DDC की इलेक्शन हुई है और ओथ लेने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, तो ओथ को आप कैसे निभाएंगे? जैसे ओथ को सच्चे दिल से आई हूँ घर से और सच्चे दिल से ओथ लेनी है और ईमानदारी से काम करना है। जो लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे भरोसा दिखाना है, उनको उनके भरोसे पे कायम रहना है। अब हमारे साथ हैं शारदा जी। शारदा जी, कहाँ से चुनी गई हैं आप? मैं अखनूर से। तो लेडीज़ को लेके आपने आगे क्या उनका भविष्य सोचा है, डेवलपमेंट कैसी की जाएगी उनके फ्यूचर के लिए? देखिए, मैं तो पहले तो धन्यवाद करती हूँ अपने अखनूर का और अखनूर की जनता का, जिन्होंने मुझे भारी मतों से जिताकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की झोली में बहुत मतों से उनकी झोली भरी है। बाकी मैं उनके लिए बहुत अच्छा सोचूं कि जो लेडीज़ की जो समस्या हैं, सबसे ज़्यादा तो पानी की हैं, पानी के बारे में ज़्यादा सोचूंगी। दूसरा, मैं जो बच्चियाँ हैं और छोटी बच्चियाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचूंगी। बाकी जो डिमांड्स अब लोगों की होगी वो पूरी ज़रूर होगी। पहले सरपंच बने हैं, BDC बने हैं, अब DDC बने हैं, तो एक फाइनल राउंड हो गया, अब लोगों के काम शुरू हो जाएंगे। सर, इस ओथ को आप कैसे निभाएंगे? जो लोगों ने भरोसा किया है बाखूबी उस पर पूरा उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर्स, जिनका ये मानना है कि विकास ही उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू। We'll be right back.